नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में। ठीक है, ये ट्रांसपोज फार्मूला जो है किस तरह से काम करेगा नहीं करेगा टोटल डिटेल में देखेंगे और इसका यूज भी मैं बताऊंगा। और अगर इस ट्रांसपोज फंक्शन का अगर लोकेशन की बात करें तो पहले बता दो कि ट्रांसपोज फंक्शन जो है वो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन का एक पार्ट्स है। और अगर इसका लोकेशन की बात करें तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, यहाँ पे होम टैब्स है और इसके बाद जो यहाँ पे है फार्मूला सेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे फार्मूला में जाओगे, फार्मूला में जाने के बाद यहाँ पे क्या है लुकअप एंड रेफरेंस। ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है आपको ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज एरे करके आता है। ठीक है, तो ये फंक्शन किस तरह से काम करता है, चलिए सीट की ओर मैं देखता हूँ कि ट्रांसपोज फंक्शन किस तरह से यूज होता है। ठीक है, अगर ट्रांसपोज के बारे में बात करें तो अगर मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई कुछ आइटम्स यहाँ पे है, आइटम्स है और उसका जो स्टोर सेल्स, ऑनलाइन सेल्स, मेल सेल्स का कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ टेबल में, और यहाँ पे जो है इस टेबल को मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपोज करने के लिए। ट्रांसपोज करने का आप लोग को ईजी मेथड हम लोग को पता है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अगर राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट में जाएंगे, क्या जाएंगे स्पेशल पेस्ट में, और यहाँ पे जाएंगे ट्रांसपोज। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है सारा वैल्यू आपका ट्रांसपोज हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या है इस वैल्यू में डिफरेंस, देखिए क्या हो रहा है, आप जो है कॉपी कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है ये सेपरेट हो टेबल हो गया, ये सेपरेट टेबल हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ 8000 को आप 10000 बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेल सेल्स का जो है, ठीक है, 8000 से आप 10000 बनाए हो, लेकिन यहाँ पे 8000 ही, मतलब ये क्या हो गया, दोनों टेबल जो है इंडिविजुअल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है रिलेटेड होगा इस टेबल से। अगर आप इस टेबल में कुछ एडिट करना चाहते तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या हो गया ट्रांसपोज में, ये सेपरेट टेबल, ये सेपरेट टेबल। ठीक है, मैं इसके लिए आपको जो है ट्रांसपोज एरे के बारे में बता रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, ये डिलीट हो चुका है। अभी देखिए ट्रांसपोज एरे के बारे में बताने के लिए, उसके लिए मैं देखता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे अगर इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कॉर्नर में कितना दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको जो है कॉर्नर में इस पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो कितना दिखाई दे रहा है, देखिए 5 रो 4 कॉलम। ठीक है, क्या दिखा रहा है, 5 रो 5 रो 4 कॉलम। ठीक है, दिखा रहा है यहाँ पे 5 रो 4 कॉलम। उसी टाइप से अगर 5 रो 4 कॉलम दिखा रहा है तो मैं इसको ट्रांसपोज अगर करूंगा तो 5 कॉलम 4 रो में आएगा ये। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना दिखाया, 5 रो 4 कॉलम। ठीक है, तो 4 रो और 5 कॉलम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, इतना ही आएगा, 1 2 3 4 आएगा इधर में, 1 2 3 4, और यहाँ पे कॉलम कितना है, ये जो है रो जो है कॉलम में जाएगा, 1 2 3 4 5 रो है, तो 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम। ठीक है, इतना करने के बाद मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू लिखने के बाद लिखेंगे ट्रांसपोज, TRAN ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑटोमेटिक आ गया है। आने के बाद यहाँ पे आपको एरे पूछ रहा है। ठीक है, मल्टी वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एरे। तो एरे हम लोग कौन सा एरे चाहिए, ये एरे चाहिए, हम लोग ये एरे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा क्या करना है, सेलेक्ट होने के बाद हम लोग दबाएंगे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो ही होगा, अभी नहीं आया। ठीक है, तो यहां होने के बाद क्या करेंगे, क्या दबाना है इस कहां पे, ठीक है, तो क्या दबाना था यहां पे, ठीक है, शिफ्ट, क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। अब प्रेस कीजिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो जैसे आप प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल प्लस एंटर तो आपका सारा आइटम जो यहाँ पे
ऑटोमेटिक जो है जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप इसको चाहे तो इसका जो है आप अपने अनुसार इसका डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, या क्या फॉर्मेट होना चाहिए सभी इसका जैसा, ये फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर्मेट भी आप चेंज करना चाहते तो फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया है, और अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये सभी ट्रांसपोज किया हुआ है, ऑलरेडी सभी क्या है ट्रांसपोज किया हुआ है जैसा यहाँ पे है। अब ये दो टेबल में, अभी ये दोनों टेबल में डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 8000 है, यहाँ भी 8000 है, अगर आप यहाँ पे 8000 के बदले 4500 कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ भी जो है 4500 चेंज हो गया है। अगर यहाँ पे 8000 है, यहाँ भी 8000 है, अगर आप यहाँ पे चेंज कीजिए, ठीक है, क्या करेंगे 8 की जगह हम लोग 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, मतलब ये टेबल जो पूरा डिपेंड करता है इस टेबल के अनुसार। अगर आप इस टेबल को इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे, आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो, इसको मैं कुछ भी एडिट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, चेंज में किया चेंज नहीं हो पाया, ठीक है। इसमें आप कुछ भी इस टेबल को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये टेबल जो पूरी डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ मैं जीरो कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए जीरो, यहाँ अगर जीरो कर रहा हूँ इधर भी देखिए आपको जीरो आ रहा है, 3000 के बदले 33 लिख रहा हूँ, यहाँ भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये टेबल में जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसा वैसा यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। इस टेबल में ना तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप डिलीट कर सकते हो किसी को, ठीक है। ये हो गया पूरा डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोज एरे किस तरह से यूज कर रहे हैं आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं एक बार और बता रहा हूँ किस तरह से किया, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर दे रहा हूँ। क्या किया मैंने देखिए, वहाँ पे कितना रो है, फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद 5 रो 4 कॉलम आ रहा है, उसी टाइप जो है मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम और 5 रो सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 कॉलम 5 रोज, ठीक है, 4 रोज 5 कॉलम इसमें सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं प्रेस किया इक्वल टू ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज सेलेक्ट किया, ट्रांसपोज जान लग करने के बाद एरे मांग रहा है तो मैं यहाँ पे इस एरे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया शिफ्ट कंट्रोल एंटर, क्या प्रेस किया शिफ्ट कंट्रोल एंटर, तो जैसे शिफ्ट कंट्रोल एंटर करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल एंटर, तो ये सभी जो है आपको ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग यूज किए कौन सा फंक्शन, ट्रांसपोज फंक्शन, ओके। आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा क्या डिफरेंस है ट्रांसपोज पेस्ट और ट्रांसपोज एरे में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।